हेलो टॉरस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो उनके एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ। उससे पहले मैं आपसे आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो वो पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल नहीं, कॉल एक्सेप्टेड नहीं है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपको मेरी वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मैसेज अगर आपको मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जब भी ये देखेंगे ये रीडिंग तभी आपके लिए होगी। स्टार्ट करते हैं टॉरस के पार्टनर की, टॉरस के लिए क्या फीलिंग्स। थैंक यू। Queen of Cups, Strength, Justice, The Emperor, Nine of Pentacles, Knight of Swords, Five of Pentacles, Knight of Wands. Okay, bottom of the deck है हमारे पास Ten of Swords. Taurus, friends, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। उनके पास कोई सीक्रेट है आपको बताने के लिए और उस बात को लेकर के वो बहुत इमोशनल भी हैं। वो बताना चाहते हैं, बहुत कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी जो उनका बहुत सारी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो बताना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं पा रहे हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है या वो डर रहे हैं किसी बात को लेकर के कि उन्होंने अगर आपको ये सच्चाई, ये बात अगर उन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस करी तो कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। मतलब कुछ चीजें हैं जो उन्हें ये करने से रोक रही हैं, ये अपनी फीलिंग्स या ये बात बताने के लिए उन्हें रोक रही है। वो बहुत सोच में है कि ये मैं बताऊं या नहीं बताऊं, जो ये मेरा सीक्रेट है, ये मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं इस वक्त में, बहुत 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 ज्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है उनके दिमाग में, बहुत सारी बातें चल रही हैं, जो भी उनका सीक्रेट है उसको लेकर के अच्छा बुरा सब सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर। और वो चाहते हैं कि वो आपको बताएं लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। वो उनको पता है कि ये जो भी मैटर है, ये जो भी बात है, इसे बताने में बहुत स्ट्रेंथ और बहुत पेशेंस चाहिए होगा। ये देख रहे हैं आप, मतलब जो सिचुएशन है, जो बात है ना, वो इतनी टफ है जैसे ये लाइन है, और वो कितने पेशेंटली उसको हैंडल कर रही है, तो उनको इतना टफ वो चीज लग रही है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं, देखिए टैरोस होते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है,
तो ये सबसे रेजोनेट नहीं भी होगी। अगर आपको कहीं ये लगता है कि कुछ चीजें आपके साथ मैच हो रही हैं या आपको डाउट है उन चीजों के लिए, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं। मैं ये नहीं कह रही हूं सिर्फ मेरे से ही कराएं, आप किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेने से पहले, अच्छा या बुरा, अपनी रीडिंग जरूर करा लें, पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो यहाँ मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो आपको बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप एक कंप्लीट पर्सन है, आप एक कंप्लीट वुमेन है, आप एक कंप्लीट मैन है, ठीक है। वो आपको एक कंप्लीट पर्सन के रूप में देखते हैं आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आपके पार्टनर मेल हैं, तो यहां जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं यहां उनकी बात कर रही हूं, तो प्लीज थोड़ा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे जो बात छुपा रहे हैं, वो मुझे यही लग रहा है आपके पार्टनर मैरिड हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू नजर आ रहा है, और जो मैरिड इन द सेंस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है उनका कुछ इश्यू चल रहा है उनकी मैरिड लाइफ में, और उन्होंने ये बात आपसे छुपा रखी है। देखिए अब ये चीजें कुछ लोगों को ट्रिगर करेंगी, मुझे नहीं पता ये किन लोगों के लिए मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो, लेकिन मैं वही बात यहाँ पे करूंगी, मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करूंगी। जिनके लिए ये मैसेज है वो ये ले लें। जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मैं इसमें ब्रेड पे बटर नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, ठीक है। जो मुझे मैसेज मिलेगा, मैं यहाँ पे मैसेज देने के लिए बैठी हूँ, तो मैं मैसेज ही दूंगी, ठीक है। अभी अब वो आपको देखना है, आपके पार्टनर जो है मैरिड है, और यहाँ मुझे उनका कोई लीगल इशू भी चल रहा है, केस चल रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, और वो इन चीजों में क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। आपके साथ उनका रिलेशनशिप ना आना जाना है, समझ रहे हैं, कभी इन कभी आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है। स्टेबल नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी ये सच्चाई है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वो कभी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। आपसे उन्होंने जितने मर्जी प्रॉमिसेस कर रखे हों, आई डोंट नो कितने प्रॉमिसेस कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, या वो आपको जो भी बोलते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो उसे फुलफिल नहीं करेंगे। वो एक फैमिली पर्सन है, वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका यूज कर रहे होंगे, वो आपका यूज कर लेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनका कोई इश्यू भी चल रहा है ना, लीगल इश्यू भी चल रहा है उस चीज को लेकर के, तो भी वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए, वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। और वो जस्ट आपके साथ इन एंड आउट इसलिए है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका रिलेशनशिप जो है वो अभी या तो उस पे केस चल रहा है, उनके आपके पार्टनर के पार्टनर उनके साथ नहीं है, और वो अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही जल्द ना वो आपको अपनी सारी सच्चाई भी बताना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैटर बहुत बड़ा है, ऐसा मैटर है, ऐसा सीक्रेट है जो वो आपको बताना चाहते हैं, जिसके लिए एक स्ट्रेंथ की और पेशेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी ये चीज बताना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है, इसके लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे ये बात पूरी तरह से बताने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो है आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंड्स प्लीज वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने पार्टनर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
अब बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं. ओके, अभी तक तो जो रिलेशनशिप में थे, आई मीन डिस्टेंस रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात कर रही थी. और एक बात और मैं बता देती हूँ जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कि आप लोगों की बातचीत भी बंद है. मैं यहां देख रही हूं आप लोगों की बातचीत बंद है. हो सकता है आप लोगों की कोई फाइटिंग हुई हो या किसी भी रीजन से आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो मैरिड है उनकी. तो मैं यहां देख रही हूं टॉरस, आप लोगों का डेफिनेटली यहां पे लीगल इशू चल रहा है. यहाँ पे कुछ लोगों का जो है लीगल इशू चल रहा है. और यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ेंगे नहीं. वो आपको एक कंप्लीट वुमेन के रूप में देखते हैं. ठीक है, आपके जैसे जैसे कोई नहीं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन. उन्हें पता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और अपने आप में कंप्लीट हैं. आपको जैसे किसी नाइन ऑफ पेंटिकल्स कौन है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है. इसके पास सब कुछ है. सेल्फ लव, एक होता है ना सेल्फ लव, उससे बड़ा कुछ नहीं होता. तब हमें किसी की भी जरूरत नहीं होती, किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो वो आपको ना आपके पार्टनर कभी नहीं छोड़ने वाले. अगर आपका केस भी चल रहा है, कोई लीगल इश्यू चल रहा है आपका, तो आपके पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, नहीं शेयर कर पा रहे. जैसे कि वो अपने आप को ना ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत रूड हूं. अच्छा, ऐसा चल रहा है, लेकिन अंदर ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो आपके लिए. जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, मैं आपको बस ये बात बताना चाहती हूं कि चीजें जो है उनकी तरफ से खत्म नहीं होंगी. हाँ, आप खत्म करें वो एक अलग मैटर है. जो भी बात हो, ये फीलिंग्स की बात हो रही है वैसे भी. ठीक है, ये एक्शन की बात नहीं है, ये फीलिंग की बात है. तो जो वो सोच रहे हैं आपके लिए, मैं आपको वो ही बता रही हूँ. ठीक है, तो वो आपको ऊपर से रूड होकर के दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर इमोशंस है आपके लिए उनके अंदर, जो हमें इससे पता चलता है. लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अच्छी बुरी सब बातें, क्योंकि उनके आसपास जो है बहुत नेगेटिविटी है. उनके थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर आपके लिए. लेकिन वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, अमेजिंग पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी समझते हैं. उन्हें पता है कि ऐसे पर्सन को खोना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. और वो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे लाइफ में. शायद आपकी जैसा कोई और ना भी मिले. देखिए, सिचुएशन कुछ भी होती है, जब इंसान साथ में रहता है ना, उस वक्त तो हम लड़ लेते हैं. ठीक है, मैटर बहुत आगे भी बढ़ जाता है यहां तक भी. ठीक है, लेकिन जब एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है ना, उसके बाद कहते हैं ना, जब हम दूर हो जाते हैं, पास रहकर के किसी की वैल्यू नजर नहीं आती, दूर रहने के बाद नजर आती. लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि ईगो प्रॉब्लम. यहां मुझे ईगो प्रॉब्लम नजर आ रही है आपके पार्टनर में. बहुत 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 ज्यादा ईगो है, एक एम्परर की ईगो. इसकी तो ईगो आपको सामने भी नजर आ रही है कि नहीं. ईगो बहुत है, बहुत ईगो है. वो होता है ना कि ईगो में ये पर्सन अपना भी बुरा कर ले, ये इस टाइप की ईगो है. ठीक है, तो लेकिन आपके पार्टनर, मैं सीरियसली बता रही हूं, ऊपर से जो है वो कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन वो अंदर से ना उनके अंदर फीलिंग है आपके लिए. और वो बहुत जल्दी अपनी सिचुएशन में आपके साथ, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना, बहुत अकेला, हर तरह से टूटा हुआ इंसान जैसे कि. और ये कोई बात बड़ी नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उनके आसपास के कुछ लोग भी उन्हें इस चीज को लेकर के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ. तो उनमें अब वो चीज है एक अंदर से, वो आपके साथ ना सारी चीजों को, मैं ये कहूंगी कि वो ठीक करना चाहते हैं. ठीक है, मैं एक बार आपके लिए ये कार्ड जो है क्लियर करना चाहती हूँ. मुझे ये कार्ड क्लियर करना है. थैंक यू. थैंक यू.
सी देखिए, अभी वो ना आपको डिसीजन लेने वाले हैं। अब जो भी उन्हें डिसीजन लेना है, डिसीजन कुछ भी हो सकता है, क्लियर करना है उन्हें। अब इस तरीके से नहीं चलना है क्योंकि वो बहुत टूट चुके हैं अकेले रह करके, आपसे दूर रह करके। अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, अब वो इन चीजों को लटकाना नहीं चाहते, ये उनके माइंड में चल रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक्शन नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं लेकिन हम वो करते नहीं हैं, और कई बार जो हम सोचते हैं वो करते भी हैं, ठीक है। तो वो डिसीजन लेने वाले हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही है, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए, टॉरस। थैंक यू। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बोला मैंने, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर। देखिए टॉरस, आप इस समय ना, मैं आपको बता रही हूं, आप अपने पे अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, अपने पे, जैसे कि सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत है आप में, आप अपने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका क्या पैशन है, आपको क्या पसंद है, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस्ड हैं इस समय, ठीक है। लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कि एक बहुत ज्यादा भार हो गया है। अभी आप भी बहुत थक चुके हैं इस भार को चलाते चलाते, लेकिन मैं देख रही हूं यहां पे कि आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। अब आप इन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, आप ये भी सोचते हैं कि आप जो आपको चीजें सर्व नहीं कर रही हैं, जिनसे आपको बहुत टेंशन मिल रही है या स्ट्रेस मिल रहा है, आप उन सब चीजों को छोड़ दें, उन सब चीजों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें और आगे बढ़ जाएं। ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। मैं एक कार्ड को क्लियर करूंगी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अब इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहना चाहते। सी ओके यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है खाली कप की तरह नहीं रहे, इमोशंस से भरी हुई बैलेंस्ड लाइफ। हो सकता है कुछ लोगों ने यहां पे अपने इस रिलेशनशिप में, मैं साफ साफ देख रही हूं, आप लोगों ने अपनी तरफ से खूब एफर्ट्स डाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन वो नहीं है जो आप डिजर्व करते थे। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको डिजर्व करे, ठीक है, जो आपको डिजर्व करता हो या जो आप डिजर्व करते हो उस पर्सन को, आपका सोलमेट कनेक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप सोलमेट कनेक्शन नहीं मान रहे, आप इसे लेट गो करना चाहते हैं, इस पर्सन को आप चाहते हैं इससे बाहर निकलना, आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बहुत हो गया, अब इतना अपनी तरफ से नहीं किया जाता, बहुत देख लिया, बहुत सह करके देख लिया, बहुत वेट करके देख लिया कि अभी ये सिचुएशन चेंज होगी, अभी ये पर्सन चेंज होगा या होगी, लेकिन नहीं हुए। तो आप इन चीजों को खत्म करके, इन चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। देखते हैं टॉरस आपके पार्टनर के एक्शन क्या रहेंगे, एक्शन क्या है आपके पार्टनर के, टॉरस के पार्टनर के एक्शन इसके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस सी, आपके पार्टनर जो हैं वो उनकी तरफ से एक्शन होने वाला है,
और बहुत ही स्पीड के साथ, जैसे कि मैंने बोला आपको, वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं और इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एक्शन है ना, ये अच्छा एक्शन हो रहा है, मतलब एक गुड न्यूज मिल रही है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगी, क्योंकि ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ चौरस, ये जो भी होगा ना एक्शन, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप लाइफ में अपने आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी स्ट्रगल चल रहा था वो सब आपका खत्म होगा इस एक्शन से, इस गुड न्यूज से, ये जो भी न्यूज आएगी आपकी तरफ। ट्रेवल भी हो सकता है ये आपका, आपको वो आपके पर्सन जो है ट्रेवल करके आपके पास आए, ये भी पॉसिबल है, डेफिनेटली ट्रेवल करके आएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये जो भी होगा ना आपकी खुशी के लिए होगा, इससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर आप अभी तक, मैं ये कहूंगी कि अगर आप अभी तक अगर कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट भी मिल रही है, यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिली हो मेरी रीडिंग से, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच टॉरस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।